सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित शुक्ला और रात को 9 बज चुके हैं। हर दिन की तरह आपके साथ हाजिर हूं विज्ञान और तकनीकी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो हमने कल आपसे बताया था। हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमें आज बातचीत करनी है, टॉपिक के सवाल कवर करने हैं और उसकी एक सही और समग्र व्याख्या भी देखनी है। तो नाम है मानव संवेदी अंगों के बारे में। अभी हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के उन महत्वपूर्ण खंडों को कवर कर रहे हैं जहां से सवाल बनते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो ऐसे सवाल जो आ सकते हैं, आते हैं हर बार, उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट आपके साथ होता है और उसकी एक उचित व्याख्या और समुचित व्यवस्था के तहत हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो एक बार सत्र को थोड़ा सा शेयर करेंगे जिससे कि अपनी पहुंच हम लोग वहाँ तक बना सकें जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि भारत की, उत्तर भारत की सबसे अधिक लाइव वाचिंग की जो कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम जो मैक्सिमम लाइव वाचिंग के साथ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के कार्यक्रमों में मजबूती देने के लिए उसके साथ बढ़ेंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं मानव के संवेदी अंगों के बारे में और सबको भलीभांति पता है कि अगर मानव के संवेदी अंगों की चर्चा की जाए तो हमारे पास 5 ऐसे अंग होते हैं जिन्हों हम इनपुट ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन के तौर पर जानते हैं। बेसिकली आँख और कान और त्वचा और जिह्वा तथा अंततः हम लिखते हैं नाक के बारे में। ये 5 अंग ऐसे हमारे पास हैं जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनता है। अब सवाल का दृष्टिकोण ये है कि किस ऐसे टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस को बिलोंग करता है। विगत 10 सालों का अगर हम दृष्टिकोण देखें, समझने का प्रयास करें, तो आँख यानी कि आइज़ का जो टॉपिक है, यहीं से मैक्सिमम अमाउंट के सवाल पूछे गए हैं। अगर दूसरा हम दृष्टिकोण लें तो त्वचा और जिह्वा से भी इक्का दुक्का सवाल आए हैं। कुछ सवाल कान से आए हैं, बेसिकली नाक से तो कोई खास सवाल नहीं आया है। सवाल आया भी है तो उसे हम श्वसन तंत्र के जिम्मे रख दिए हैं, स्पेशली इससे कोई खास सवाल नहीं बने हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी हो सकता है बिल्कुल इसका कोई टॉपिक नहीं कवर किए, तो एकमात्र टॉपिक आपको कवर करना है इनमें 4-5 में से, वो है स्पेशली ह्यूमन आइज़ के बारे में। अगर आपने ह्यूमन आइज़ के बारे में अच्छा अध्ययन किया है, जानकारी भी आपको पर्याप्त तरीके की है, तो ये बात तय है कि आपका सही दिशा में तैयारी चल रही है। तो आज हम इस पूरे सत्र में, 1 घंटे का सत्र है ये, इस पूरे सत्र में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मानव आँख के बारे में वो समग्रता के साथ व्यवस्थित तरीके से बताएं कि आप कभी पढ़े भी नहीं हो तब भी काम आपका 12 जून को चल सके। मुझे ये साझा करते बहुत खुशी हो रही है कि एग्जामपुर की तरफ से कल यूपीएसआई का रिजल्ट आया और उसमें हमने 7 से 8 और 9 हज़ार के आसपास लिखित सिलेक्शन दिए। ये बहुत बड़ी बात होती किसी भी संस्थान के दृष्टिकोण से। दूसरी बड़ी बात कि ये भी बड़ी अच्छी लग रही है कि जो सत्र चल रहा है पीसीएस का, इसमें हमारी रेगुलर ऑडियंस यानी कि ऐसे छात्र और छात्राएं जुड़े हैं जो इसको एक बैच मान के पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस श्रृंखला में शामिल होते हैं। आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं और उन मेल के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि ये सबसे सफलतम सत्र के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो प्लीज़ इसे एक बार और थोड़ा सा शेयर करते हुए इस सत्र की सफलता के मायने आगे बढ़ाइएगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, वहाँ पर हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका एक बेहतरीन कर्तव्य है किसी भी छात्र का अपने उस अध्यापक के साथ जिससे वो कुछ सीखता है। तो उम्मीद है ऐसा आप करेंगे, तो कर ही लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आप एक लाइक का बटन होगा उसको दबा लीजिए और दूसरा बगल में शेयर करने का तरीका होगा तो उसे एक बार अपने दोस्तों में, जो आपकी मंडली है ना, ग्रुप वाली, उसमें शेयर ही कर दीजिए। थोड़ा सा बता दीजिए कि अध्यापक जी आ गए हैं और आप पढ़ाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल पहला है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। हमारे साथ आप भी मिलकर के पढ़िएगा। लिखा है, मानव कॉर्निया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। तो विचार तो हम करते ही हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं। और देखना है पहला कि कॉर्निया आँखों में, यहाँ पर आँख कर लेना, आँखों में मुख्य लेंस की भांति कार्य करती है और आँखों में एक पारदर्शी भाग के तौर पर है ये। दूसरा, कॉर्निया परतदार रचना होती है। और तीसरा है, कॉर्निया में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो सकता है? बेसिकली आप सभी के उत्तर सही आ रहे हैं और वो कौन सा है? आपके सी वाला उत्तर सही है, यानी कि पहला भी कथन प्रॉपर तरीके से सही लिखा गया है। कॉर्निया परतदार भी होती है, ये भी पॉइंट है, और कॉर्निया में रक्तवाहिनियों का अभाव है। एकमात्र अपने शरीर में ये जीवित अंग है जो मान के चलना कि बिना ब्लड के जिंदा है, और इसमें विसरण की पद्धतियों के ज़रिए हमारी जो हवा है और जल है उसके ज़रिए अपना भोजन हासिल कर लेते हैं। तो पहला सवाल कॉर्निया से रहा और शुरुआत ही कॉर्निया से होती है, आँखों के बारे में पढ़ने को लेकर के। तो जितने भी लोग हैं जो कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो अपना खोल लीजिएगा कॉपी और पेन भी। तो चलिए इसका एक व्याख्या चेक करते हैं कि भाई व्याख्या क्या होगी और हम इस पर क्या और सीख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि आँखें हैं अनमोल रतन और इनको बेहतर करने का कुछ करो जतन। आँखें इंसान को इस रंगीन भरी दुनिया में कुछ ऐसा वरदान देती हैं जिससे हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। इंसानी आँखें इतनी क्षमतावान हैं कि वो विजिबल रेंज को कवर कर लेती हैं। करीब करीब 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के आसपास का जो स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश का रेंज होता है उसे प्राप्त करने में इंसानी आँखें पूर्णतया सक्षम हैं। कुछ ऐसे मान के चलना कि एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, या आप इसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तहत मान सकते हैं। और इस स्पेक्ट्रम की अगर रचना मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि इसको देखने में थोड़ी सी मुश्किल जा रही है आपको, तो मैं इसे दूसरे कलर के तौर पर लेता हूँ जिससे कि आप इसे प्रॉपर वे में देख पाएँ और यहाँ से आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो आप यहाँ से पॉइंट आउट कीजिएगा। अगर हम आपको स्पेक्ट्रम के तौर पर समझाने का प्रयास करें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इसे हम बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के रूप में सेट कर पाते हैं। कुछ ऐसे मान के चलना कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, यहीं से आँखों के देखने की क्षमता और आँखों के बारे में समुचित अध्ययन हम कवर कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना, तो ये कई इस प्रकार के भागों में बटे होते हैं। इसी बीच में हमें यहाँ पर गामा और एक्सरे और अल्ट्रावायलेट मिलते हैं, और अल्ट्रावायलेट की ठीक बाद यहीं से हमें दृश्य प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। और दृश्य प्रकाश के ठीक बगल में इस हिस्से में इंफ्रारेड यानी IR होता है, और उसके बाद लघु और दीर्घ रेडियो तरंगों का बटा हुआ स्पेक्ट्रम है। मोटे मोटे तौर पर आप यही जानिएगा। जो दृश्य प्रकाश होता है यानी कि विजिबल रेंज होता है वो कितना होगा, तो इसके 7 हिस्सों में बटे हुए तरीके होते हैं। उम्मीद है कि आप इसको बचपन में पढ़े होंगे, VI, B और G, Y, O और R। और इसकी जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के यानी कि 400 नैनोमीटर से लेकर के यहाँ तक हम बढ़ते जाएंगे तो ये 800 कितना नैनोमीटर के आसपास ये इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज है। यानी कि जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती रहती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो तरंग दैर्ध्य होती है ये हमेशा अपोजिट होती है किसके, तो उत्तर हो जाएगा 1 बटा आवृत्ति के। यानी कि अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी, और आवृत्ति ज़्यादा है तो तरंग दैर्ध्य कम होती है। बेसिकली मामला यही होता है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। इंसान की आंखें, जिसको हम एक ऐसे तौर पर देखते हैं कि ये हमारी आंखें हैं, इनको जो देखने की क्षमता होती है या विजिबल रेंज होता है वो यही होता है कितना, 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ है इसी वेवलेंथ को हम लोग देख पाते हैं। इसके अलावा और किसी भी चीज़ को ना तो आगे ना ही पीछे हम देख पाते हैं। हालांकि कुछ इंसान ऐसे हुए हैं जो इसके आगे पीछे भी देखते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आती है तो उसको हम बीमारी ही मान बैठते हैं या तो म्यूटेशन मानते हैं। खैर, इंसानी आँखों का जो तरीका है वो यही है जो आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अब इससे जुड़े हुए सवाल कैसे आते हैं, तो इसको आपको इसकी जो आंतरिक संरचना होती है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसे होती है। तो अपनी कॉपी उठाइएगा और अब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी सी बृहद स्तर पर ज्ञान उठाइएगा या समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारी आँखों का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे हम लेंस मान सकते हैं, और लेंस के पीछे कुछ इस तरह से आँखें होती हैं, ठीक। और इसके आगे एक बहुत ही पारदर्शी एक पर्दा या झिल्ली लगी होती है जिसे हम कॉर्निया के तौर पर मानते हैं। आँखों में 3 परत होती है पीछे की तरफ, और इनके भी नाम क्रमशः अलग अलग तरीके से हैं जो मैं अभी आपको प्रॉपर वे में समझा दूंगा। इस तरह से 3 परतें अंदर में धंसी हुई आँखों में आपको मिल जाएंगी। सबसे बाहरी परत को हम श्वेत पटल कहते हैं, तो आप लिखिएगा सबसे बाहरी परत जो है श्वेत पटल है। ये वही श्वेत पटल है जो आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग में दिखाई दे रही है। आराम से लिख डालिएगा, हर एक सवाल को कवर कीजिएगा और इसे एक बार शेयर करते हुए 200 प्लस आंकड़े की तरफ पहुंचाइए। हम बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही समुचित समझ के साथ आपको पढ़ाएंगे। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, कोई हो हल्ला नहीं है कि एकदम शेयर करो लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे मैक्सिमम लाइव वॉचिंग पर ले चलते हैं तो इससे मुझे व्यक्तिगत लाभ मिलता है और आप एक तरीके से इस जो सत्र चल रहा है, आज आपका 10वां नंबर का सत्र है, आपको याद होगा। तो हम लोगों ने जो यात्रा शुरू की थी आज उसके 10वें पड़ाव पर पहुँच गए। सोचिए कि 1/5 हिस्सा के आसपास हमने इसे कवर कर लिया और यानी कि अब 50 में से 10 कवर हो गए, 4 बचे हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर हम लोग अपनी यात्रा को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको समझिएगा, ये जो हिस्सा बाहर का आपको दिख रहा है ये हिस्सा कॉर्निया कहलाता है, जो आपके सवाल में पूछा गया है, ठीक है ना। ये कॉर्निया बिल्कुल पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार होकर के कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं। दूसरी बड़ी बात कि ये कॉर्निया बिना किसी रक्त के होता है, यानी कि इसमें रक्तवाहिनी नहीं होती, और ये खास है कि रक्तवाहिनी ना होने के बावजूद भी इसे हम एक जीवित अंग के तौर पर या जीवित भाग के तौर पर मान बैठते हैं। ये कॉर्निया हमारी आँखों में मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है। कैसा? मुख्य लेंस की भांति कार्य करता है। इसे पॉइंट आउट कीजिएगा। इसका काम है कि जो आँखों में आने वाला प्रकाश होता है इसे मोड़ करके हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनवा देना। यहाँ पर इतने लोग हैं, मुझे लगता है कि 150 से अधिक लोग हमें देख रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है इसका जो दूसरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसे हम रक्तक पटल कहते हैं या कोरोइड के तौर पर जानेंगे, और इसका जो तीसरा हिस्सा है सबसे लास्ट वाला अंत का, इसको हम रेटिना कहते हैं। आपको पता ही, इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को देखने में क्षमतावान हो पाते हैं। यहाँ से बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं जो मुझे बता सकते हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब आप बनवाते हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप ऐसा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। आँखें, जो आँखों की कॉर्निया होती है इसकी कई तरह की परतें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली इसमें 3 और +1 परत पाई जाती, कितनी? कुल 4 परत होती। सबसे पीछे की जो परत है इसे हम दुआ परत के तौर पर जानते हैं। बहुत पहले, हालांकि ये कुछ नया तरीका नहीं है, बहुत पहले के एक डॉक्टर हुआ करते थे भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर, उनका नाम था प्रोफेसर हरमिंदर सिंह दुआ। प्रोफेसर हरमिंदर सिंह दुआ ने लास्ट में अंततः चौथी कॉर्निया के चौथी परत के बारे में बताया। तो इस तरह से कॉर्निया आपकी परतदार संरचना होती है, इसको आपको पॉइंट आउट करना है, बिल्कुल। तो IS राधे तिवारी ने भी अच्छा उत्तर दिया है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ऐसा SKT का जवाब है। यानी कि SKT ने बहुत ही विस्तार तरीके से, बहुत ही सरलता तरीके से उत्तर दे दिया। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं बीच में हिस्सा, ये आँखों का लेंस है, इसे पॉइंट आउट कीजिएगा। इसके अलावा आँखों पर इस वाले हिस्से में ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर, दो विशेष प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं और इन मांसपेशियों को हम नाम देते हैं सिलेरी। क्या बोलेंगे? इनको हम नाम देते हैं सिलेरी मांसपेशियों के तौर पर, ठीक है ना। तो इसे पॉइंट आउट कीजिएगा कि सिलेरी मांसपेशियां होती हैं। इन्हीं आँखों के इस वाले पोर्शन पर 2 और आपको फिगर बनाने पड़ेंगे जो कि कॉर्निया के ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ये डॉट आपको दिख रहा है, बेसिकली इस डॉट को हम आँखों की पुतली या प्यूपिल मानते हैं, और ऊपर और नीचे के जो हिस्से आपको दिख रहे हैं यही आँखों की आयरिस होती हैं। क्या होती हैं? आयरिस के तौर पर मानते हैं। आयरिस अंग्रेजी भाषा में लिखा गया नाम होता है। आँखों के बीच में बहुत ही गाढ़ा और अपारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? काचाभ द्रव बोलेंगे। जो हमारे साथ अंग्रेजी में लोग जुड़े हैं वो इसे विट्रस ह्यूमर लिख देंगे। इसके अलावा आँखों में आगे यानी कॉर्निया के ठीक पीछे और विशेष तरह के द्रव भरे होते हैं जिन्हें हम जलीय द्रव के तौर पर मानते हैं, और जो जलीय द्रव है अंग्रेजी भाषा में इसे आप एक्वस ह्यूमर कर देंगे। तो करीब करीब आँखों की रचना और उसके भागों के बारे में हमने आपको प्रॉपर वे में बता दिया। अब आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा ना, वो कहाँ से आएगा? या तो आपसे कॉर्निया से सवाल पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट, या तो आपसे श्वेत पटल से सवाल पूछा जा सकता है कि श्वेत पटल क्या हो सकती है, या तो आपको रक्तक पटल के बारे में प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये जरा बताइए कि रक्तक पटल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। या आपसे अगला जो प्रश्न पूछेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रेटिना। क्या है? रेटिना। और रेटिना में जो मौजूद 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक तो होती हैं कोन सेल, इनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, और दूसरा जो होती है उसे हम बोलते हैं रॉड सेल। फटाफट लिखिएगा, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ इनको लिखेगा। और इसी रेटिना पर 2 प्रकार के बिंदु होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम येलो स्पॉट कहते हैं, या इन्हें पीत बिंदु कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम डार्क स्पॉट कहते हैं या इन्हें अंध बिंदु के तौर पर जानते हैं। तो ये रेटिना का मसला हो गया। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पुतली और आयरिस से पूछा जा सकता है कि जो प्यूपिल और आयरिस होती है इनके क्या काम हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो और सवाल पूछे जाएंगे वो आँखों के लेंस से जुड़े मसले होंगे। इसके अलावा जो और प्रश्न बने हैं वो आँखों की विषमता के प्रश्न बने हैं कि भाई आँखों की विषमताएँ कैसी कैसी होती हैं, जो आपने दूर दृष्टि दोष के बारे में सुना होगा अथवा आपने निकट दृष्टि दोष के बारे में सुना होगा, या आपने वृद्धा या जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो उनके बारे में सुना होगा कि वृद्ध में कैसे दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे कई प्रकार की समस्याएं आँखों से जुड़ी हैं। आपने कॉटरेक्ट के बारे में जाना होगा जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। अक्सर गांव में अक्सर जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनमें मोतियाबिंद की समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे क्रिस्टल क्लियर करिए कि भाई जो इस बार पीसीएस में एग्जाम में सवाल बनेंगे इतने सारे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, इसे पॉइंट आउट कीजिएगा। यहाँ पर ग्लूकोमा भी लिख दीजिएगा, ग्लूकोमा के जुड़े हुए सवाल आते हैं, और साथ ही साथ मोतियाबिंद या इसे हम समलबाई के तौर पर जानते हैं तो ये भी एक सवाल आता है। अक्सर आपने सुना भी होगा समलबाई ये क्या होता है, और जो अंग्रेजी भाषा के लोग होंगे वो ग्लूकोमा और कॉटरेक्ट लिख के काम चला लेंगे। अक्सर इंसानी जो आँखें हैं उनके जो लेंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें लेंस बदल देता है। हम लोग क्या करते हैं, उम्र के हिसाब से लेंस बदलवाते हैं। जैसे दादाजी की उम्र अगर 90 साल है तो हम 10,000 रुपये वाला लेंस लगवाएंगे, हमें पता है कि 5 साल ही चलेगा, उसके बाद तो अब दादाजी रहेंगे नहीं तो लेंस का क्या ही काम। तो इस तरह से डॉक्टर्स की दुकानों पर यानी कि जो आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर अलग अलग आकार के और अलग अलग क्षमताओं के और अलग अलग पैसे वाले लेंस मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये कहानी है, इससे आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आईज के होंगे और पीसीएस 2022 में इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम आपको हर एक प्रश्न पर उचित व्याख्या करेंगे, है ना। चलिए अगला जो सवाल है उसके बारे में समझते हैं। अब इसे पढ़िएगा और उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर जो आंकड़ा था उसे कवर कर लिया कि भाई हमें किन किन बिंदुओं पर अच्छी पकड़ बनानी है, और हमारा जो कॉर्निया की व्याख्या थी उसे कैप्चर कर लिया। यहाँ पर पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से गलत कथन के बारे में चयन कीजिएगा। तो आइए देखा जाए कि गलत कथन कहाँ पर होगा। श्वेत पटल वास्तव में कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और आंखों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। रेटिना हमारी आंखों की सबसे आंतरिक परत है और इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अभी भी हम लोग पढ़ के निकले कि देयर इज 3 लेयर, यानी कि पहली श्वेत पटल, दूसरी रक्तक पटल और तीसरी रेटिना थी, और इसी पर प्रतिबिंब बनता है। ये तंत्रिकाओं से बनी हुई होती हैं, ये बात भी सही है। शंकु कोशिका यानी कोन सेल के प्रभाव से हमें मध्यम प्रकाश में दिखाई देता है, इनका ऐसा मानना है। दूसरा वर्णांधता यानी जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं उसकी समस्या वास्तव में रेटिना के प्रभावकारी होने पर, रेटिना में मुश्किल जब कोई आती है तो इंसानी जीवन में वर्णांधता की समस्या आती है। अब इनमें से गलत कथन चयन करना है। कितने ऐसे लोग हैं जो गलत कथन के बारे में बता सकते हैं? भाई यार एक काम करो कि 200 लोग के आसपास इसे ले चलो, और दूसरा देख तो ढेर सारे लोग रहे लेकिन लाइक वाइक कर दे यार, थोड़ा सा ऐसे बटन दबाना रहता है, काहे एकदम कसम खाए बैठे होते हो, बटन बगल में नहीं हो ना उसको दबा दीजिएगा ऐसे, है ना। इसको करने से क्या होता है, सत्र में बहुत मज़ा सा आता है। हमें अध्यापक हैं और अध्यापक की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, लगता है कि यार भाई गजबे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो अद्भुत पढ़ा रहा हूँ। और कम लोग देखते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, और ये हर किसी के साथ है यार, मतलब मैं क्या ही कहूँ, खुद को किसी के साथ ये समस्या बनी है। अब इसे समस्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन होता है ऐसा। तो आप इसे प्लीज़ समझा करो और इसके आधार पर काम किया करो, ठीक है ना। तो इसमें से जो उत्तर है वो सी वाला आप लोग सभी दे रहे हैं, हालांकि उत्तर सी ही है, यानी कि कहानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो व्याख्या आपको समझनी है, जिस व्याख्या को मैं आपके साथ पॉइंट आउट करूँगा उससे ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर रेटिना के बारे में कुछ और बातें समझिएगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और क्या बातें हैं जो व्याख्या के स्वरूप में हो सकती। उत्तर आपका सी होगा, सी लगा लीजिएगा। यहाँ से आप अब रेटिना के बारे में बहुत ही स्पष्ट भाषा में समझिए। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा रेटिना। पहली बात तो रेटिना जो तीसरी परत है उस रूप में होती है आपकी आंखों में, और मान के चलना कि ये तंत्रिकाओं से मिलकर के बनी है, ठीक है ना। और इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उसी रेटिना पर बनता है। अभी भी आप लोगों ने मुझे बताया कि उल्टा प्रतिबिंब होता है और साथ ही साथ इसको हम वास्तविक मानते हैं। क्या मानते हैं? वास्तविक, यानी कि जो उससे वस्तु है वो क्लियर दिखेगी, एक्चुअल में उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन थोड़ा अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। फिर हमारा ब्रेन जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से निकलती हैं वो इसे सीधा करके हमें दिखाती हैं, और हम आप मुझे सीधा देख रहे हैं और हम भी वैसे वस्तु को सीधा देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, रेटिना जो है ये दो प्रकार के सेल से बनी होती हैं। अब सीधी सी बात है, अपनी पूरी शरीर कोशिकाओं से ही बनी है, अलग से कहीं से नहीं बनी। ठीक, तो दो सेल कौन कौन सी हैं? एक सेल होती है जिसे हम कोन सेल कहते हैं, इसको हम ऐसे नीचे से बना के दिखाएं आपको यहाँ से। तो दो प्रकार की सेल हैं, एक तो होती हैं जिन्हें हम रॉड सेल कहते हैं या हिंदी भाषा में इन्हें सालका कोशिकाएं कहते हैं, और एक होती हैं जिन्हें हम कोन सेल कहते हैं और हिंदी भाषा में से हम शंकु कोशिका के तौर पर जानते हैं। अब सवाल कहाँ से आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों की दोनों कोशिकाएं ही मिलकर के रेटिना बनाती हैं, और रेटिना आँख का सबसे अनमोल भाग है, बहुत ही अनमोल भाग है। कभी कभी रेटिना में चोट लग जाती है, और जब चोट लग जाती है अंधता उत्पन्न हो जाती है, मान के चलो, फिर दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इसलिए आँखों को हमें बहुत सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। बहुत धूप में जाएं तो हम धूप के चश्मे लगाएं, कोई इस पर मुक्का ना मारने पाए, अक्सर लोग बदमाशी कर ही देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब ध्यान देना, जो कोन सेल होती हैं ये तीन तरह की होती हैं। कौन कौन? यहीं से पकड़िए। एक होती हैं जिन्हें हम रेड बोलते हैं, एक होती हैं जिन्हें हम ग्रीन कहते हैं, एक होती हैं जिन्हें हम ब्लू कोन सेल के तौर पर जानते हैं। तो रेड वाली लाल हो गई, और ग्रीन वाली वही हिंदी में हरी, और ब्लू वाली हिंदी में क्या, नीली। यानी कि आप तीन रंग देख पाते हैं बेसिकली। कौन कौन सा? लाल, और दूसरा नीला, और तीसरा हरा। आपको पता है, जब कभी आप रंगों के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन्हीं को तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग के तौर पर कहते हैं कि नहीं कहते? ज़रा बताना। तो उम्मत उत्तर होगा हाँ, ये तो प्राथमिक रंग है, और इन्हीं को मिला करके दुनिया भर के आमतौर पर सभी रंगों के बारे में हम समझ बिठा लेते हैं। इसलिए जो कहानी है रंगीन दुनिया देखने की, यानी आप फूल देख रहे हैं, किसी की सुंदरता के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या किसी को आप देख के गुस्सा हो रहे हैं, या उसकी कुरूपता के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो जो बातें होती हैं वो इन्हीं तीनों कोन सेल की वजह से हो रही, रेड, ग्रीन और ब्लू कोन सेल की वजह से। अक्सर ये कोन सेल तब एक्टिव होती है जब सनलाइट होती है। क्या? सनलाइट में ये एक्टिव होती है, हालांकि आर्टिफिशियल लाइट में भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। रात होते होते कोन सेल काम करना बंद कर देती हैं, और फिर हमें किसके भरोसे होना होता है? रॉड सेल की। ये मध्यम प्रकाश में कार्य करती हैं, ठीक है ना, मध्यम प्रकाश में कार्य करती हैं, लेकिन इनमें क्षमता नहीं है कि रंगीन दुनिया देख सकें। ये आमतौर पर ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना, जो श्वेत शाम प्रकार का होता है, उसी रंग को देखने में क्षमता, लेकिन हाँ, मध्यम प्रकाश या रात्रि में जो हमें थोड़ी बहुत तीव्रता मिलती है वो इन्हीं रॉड सेल से मिल पाती है। तो बेसिकली दो प्रकार के सेल आपके सामने रहे, कोन सेल और रॉड सेल, और इसके बारे में समझिएगा। इंसानी शरीर में दोनों होती हैं, यानी कि कोन सेल भी है और रॉड सेल भी है, यानी कि इंसान की आँख में दोनों है। धरती पर बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनमें या तो रॉड सेल होता है या तो कोन सेल होता है, उनका जिक्र हम आगे करेंगे। जैसे मान के चलिए कि भाई अगर कोन सेल है तो दिन में देखेगा, जैसे उल्लू, तो उल्लू है तो वो रात में देखता है, ठीक है ना, तो अब इसे रात्रिचर कहेंगे। तो इसमें केवल क्या होता है? रॉड सेल होता है। दूसरा हम बात करें, जैसे कोन सेल की बात करें, जैसे मुर्गे, तो जो मुर्गे होते हैं या मुर्गियां भी, दोनों को मान सकते हैं, मुर्गों में केवल कोन सेल होता है। अंधेरा होते होते उनको दिखाई देना बंद हो जाएगा, जैसे ही थोड़ी सुबह होती है, 4-5 बजते हैं, उनको हल्का हल्का दिखता है। रात भर बड़े टेंशन में रहते हैं वो कि भाई हमारी आँख खराब हो गई क्या। बगल वाला मुर्गा अगले से पूछता है कि यार तुमको दिख रहा है क्या, वो कहते हैं हमको भी नहीं दिख रहा है। थर्ड वाला पूछता है, उसको पूछ रहा है तुम्हें दिख रहा है क्या, वो तो हमको भी नहीं दिख रहा है। बड़े टेंशन में सारी रात गुजारे, सुबह हुआ, हल्का सा भोर हुआ, अब भोर हुआ तो हल्का दिखना शुरू हुआ, मुर्गे खुश हो गए और कूँ करना शुरू कर दिए। इंसान ये समझ बैठा है कि उसको मुर्गे उसको जगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो बेसिकली वो खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे होते हैं, उनकी आँखों से फिर से दिखना शुरू हो गया। दरअसल शॉर्ट टर्म की मेमोरी वाले होते हैं, भूल से जाते हैं, और हर दिन कहानी ऐसी ज़िंदगी में है। अक्सर गांव के मुर्गे ही ऐसा करते हैं, शहरों में लाइटें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुर्गों को रात में भी दिख ही जाता है, तो वो भूल गए, बांग ही देना बंद कर दिए। तो गांव के मुर्गे आज भी ऐसा कर लेते हैं, तो इस तरह के जीवधारी या इस प्रकार के जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो अपने अगल बगल ढेर सारे रहते हैं। और इसी के साथ आप लिंक कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से बातें आपको क्लिक करेंगी और समझ में आएंगी। यहीं से लगे हाथ मैं आपको रतौंधी के बारे में बताता हूँ। ध्यान देना, जो रॉड सेल है ना भैया, इसमें एक रंजक होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलेंगे? रोडोप्सिन के तौर पर जानते हैं। ये तब बनता है जब हम विटामिन ए खाते हैं, और जैसे मान के चलो विटामिन ए की कमी हो गई तो तुरंत ही रोडोप्सिन बनना बंद हो जाएगा। और जो रोडोप्सिन बनना बंद हो जाएगा तो ये जो रॉड सेल है ये काम नहीं करेगी। अब रॉड सेल काम नहीं करेगी तो रात का समय आएगा। जैसे रात का समय आएगा तुरंत ही दिखाई देना बंद हो गया। अब दिखाई देना जैसे ही बंद होगा तो हम क्या कह देंगे कि भाई साहब को क्या है, रतौंधी है। क्या है? रतौंधी की समस्या, रात में दिखता नहीं इनको, तो उनको फिर विटामिन ए की गोलियाँ खिलानी पड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है और इसे आप एक्सप्लेन के तरीके पर कर सकते हैं। तो सवाल अगला देखा जाए, सवाल नंबर 3 आइए देखा जाए। और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, आप एक ही क्लास में हर एक टॉपिक को कैप्चर कर लेंगे। पूछा है भाई रतौंधी के कारण आँखों का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है। चलिए लगे हाथ मैंने वहाँ पर व्याख्या भी दे दी थी, अब यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं। उत्तर है कॉर्निया, श्वेत पटल और रक्तक पटल और रेटिना। आपको बताना है रतौंधी में किस प्रकार के अंग में प्रभाव पड़ता है। बेसिकली ये जवाब आपको देना चाहिए और मुझे लगता है कि देंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हितकारी होगा और हमारे लिए भी होगा। ठीक है ना? कितने ऐसे लोग हैं जो इसका जवाब सही तरीके से या सटीक तरीके से दे सकते हैं? ठीक, क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य तो यही है दोस्त कि क्रिस्टल क्लियर ही रहे सारा मामला, है ना, कोई इशू न जाने पाए। तो इसका उत्तर क्या हुआ? उत्तर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं भाई रेटिना। जो रेटिना में खास करके जो अभी हम लोग बात की कि रेटिना की जो रॉड सेल है वो रॉड सेल सही तरीके से कार्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि जैसे किसी इंसान के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो ये विटामिन ए की कमी एक विशेष प्रकार का रंजक जिसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलेंगे? रोडोप्सिन बोलते हैं, लिख लीजिएगा। इसकी कमी हो जाती है और जब ये कम हो जाता है, डाउन होगा, तुरंत ही आपकी जो रॉड सेल है ये किसका हिस्सा है? रेटिना का हिस्सा, ये काम करना बंद कर देगी। ये भी कमज़ोर हो जाएगी, फिर रात को दिखना बंद हो जाता है। अक्सर ये बीमारियां इंसानी शरीर में होती हैं, हालांकि पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। अब तो सबको विटामिन ए तो मिल ही जाता है करीब करीब। यानी कि जब आप अपने जीवन में पपीता, कद्दू के बीज या गाजर अथवा आम या आप घी अथवा मछली या मछली के तेल का सेवन करते हैं तो ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। अब इस तरह की चीज़ें आप खाइए, आँखों को सही रखिए, है ना। आज के दौर में इंसान के जो ज़िंदगी में एक गलत ढर्रा सा हो गया ना कि हम देर रात मोबाइल ऐसे टिक टिक, मेरे साथ भी बड़ी बुरी सी आदत है, 1 बजे रात तक ऐसे ही टिक टिक कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से आँखों के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तो आप सभी को सलाह दूंगा कि एक ऐसा चश्मा बनवा लें 0 पावर का, या थोड़ी बहुत डॉक्टर की जाँच करके उसके बाद ही रात में ये ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें, यानी कि मोबाइल फ़ोन। देखिए, अब ये तो रही सही गई बात निकल गई कि मान के चलना कि हम बिना मोबाइल के तो नहीं ज़िंदा रह सकते। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इंसानी जीवन का एक अभिन्न अंग सा बन गया है, तो इसके बिना तो ज़िंदा रहना मुश्किल है। तो बेसिक बात की जाए कि एक दूसरे से कोशिश ये की जाए भाई मैनेज किया जाए, और मैनेज का तरीका यह है कि हम मैनेज करके चलें और आँखों में चश्मा पहने और कोशिश करें बहुत रात तक मोबाइल ना चलाएं। लेकिन यार होती नहीं, मैंने भी देख रखा है, ऐसा हो ही जाता है कि हम देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है उसकी व्याख्या मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देखा जाएगा। वर्णांता के बारे में पूछा गया सवाल है और मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोग खूब जानेंगे। लिखा हुआ है कि भाई वर्णांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिएगा। लिखा है कि वर्णांता मुख्य रूप से यक्ष सहलग्नता की एक आनुवांशिक समस्या है। इसमें रोगी को प्राय 1 से अधिक रंगों की पहचान करना मुश्किल सा हो जाता है। 1 या अधिक रंगों की पहचान वो नहीं कर पाता, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो जरा बताना, मेरे पास चश्मा है और मैं लगाती हूँ, अच्छी बात है, आप लगाइए। अब सही बोल रहा हूँ, यही समस्या है यार, क्या ही कर सकते हैं। तो पहली बात भी प्रॉपर सही है और इसमें रोगी को 1 से अधिक रंगों की पहचान करना, 1 से अधिक रंगों की पहचान करना मुश्किल होती है, तो ये भी थोड़ा सा सही ही लिखा गया। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही कर लीजिएगा, दोनों कथन प्रॉपर सही हैं और इसकी एक व्याख्या हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो काम बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर, जब फ़ोन रिचार्ज नहीं होता तो किसी काम, बिल्कुल किसी काम का नहीं होता यार वो। ठीक है, तो उत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनेगा, आप इसे याद रखिएगा। वर्णांधता ये क्या है ना? वर्णांधता, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। इसे हम कलर ब्लाइंडनेस डिडीज़ कहते हैं, CBD के तौर पर जानते हैं। दरअसल जब हम महिला और पुरुष के बारे में बातचीत करते हैं तो गुणसूत्र भी पढ़ते हैं, यानी कि एक्स और वाई होता है। ये बात आप समझिए ना कि अगर वो पुरुष है यानी कि मेल है, तो मेल है तो एक्स और वाई होगा, और अगर वो फीमेल है यानी कि महिला है तो फीमेल है तो उसमें एक्स और एक्स होगा। और जब किसी को वर्णांधता की अनुवांशिकता की समस्या होती है ना, तो उनका जो ये ऊपर वाला एक्स वाला है ये, और इनमें से कोई एक एक्स ये प्रभावित हो जाता है। मान के चलो कि जिसको वर्णांधता है उसको एक्स पावर सी या कलर ब्लाइंडनेस लिख सकते हैं ऐसे ही। तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसकी वाहक महिलाएं होती हैं और प्रभावित पुरुष भी होते हैं, और महिलाएं भी प्रभावित होती हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता ये है कि जो अपनी रेटिना है ना, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, तो इस रेटिना की जो कोन सेल है, इस कोन सेल में ध्यान दीजिएगा कोई भी एक प्रकार, यानी कि हो सकता है रेड कोन सेल, हो सकता है ग्रीन कोन सेल, या हो सकता है ब्लू कोन सेल, कोई भी एक खराब हो जाती है, ठीक है ना, या एक से अधिक भी खराब हो सकती है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रभाविकता होती है वो रेड और ग्रीन की होती है। ब्लू कोन सेल बहुत ही रेयरेस्ट समस्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो रेड कोन सेल और ग्रीन कोन सेल मुश्किल आई, तो इंसान या तो लाल या तो हरा या तो दोनों नहीं देख पाता, रंग नहीं देख पाता। अब इसका मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल मैंने लाल लिखा है तो लाल आपको नहीं दिख रहा है, धुंधला सा दिखता है, डिम सा दिखता है। और फिर उस इंसानी जीवन में खास करके लाल बत्ती के प्रति या कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनमें इनको मुश्किलें जाती हैं। तो खैर ये बीमारी है, एक तरीके से अनुवांशिकता की समस्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ढूंढेंगे जो कि लिखा है नंबर 5 का, और ये है, पूछा है कि भाई ये बताओ कि टेपेटम ल्यूसिडम का क्या काम है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में जो बिल्ली होती है ना, मान के चलो ये बिल्ली है, तो इसकी आंखों को आपने देखा होगा, इनकी आंखें ना बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं, स्टार टाइप की चमकती हैं, रात में ऐसे चमकती हैं इनको आंखें, दोनों आंखें चमक रही हैं बिल्ली की। और ये है आपकी, अब पता नहीं बिल्ली दिख रही नहीं दिख रही। बेसिकली बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, कुछ ऐसे नॉर्मल जानवर भी होते हैं, इनकी आंखें रात में चमकती हैं। उनके ऊपर एक विशेष प्रोटीन की फिल्म पाई जाती है, पर्दा सा पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टेपेटम ल्यूसिडम। इसे कई सारे काम होते हैं, एक तो अपने शिकार को डराना, और दूसरा रात में देखने की क्षमता हासिल करना, और तीसरा सुरक्षात्मक बाह्य सुरक्षा प्रदान करने के जैसे कार्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि काम क्या है इसका, तो यहाँ पर आप पॉइंट कर सकते हैं कि रात्रि में पशुओं को दृष्टि देता है, तो आप बी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पारदर्शी नुमा जेली ये तो गलत है, और ये भी नहीं है जहाँ पर अधिक प्रतिबिंब बनते हैं और आंखों में रंगीन हिस्सा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पशुओं को रात्रि में दृष्टि देता है, और एक तरीके से ये चमकदार हिस्सा, कैसा है, चमकदार हिस्सा है। चूँकि यहाँ पर काम पूछा गया तो काम यही है कि बेसिकली दृष्टि पटल में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं ये, ठीक। तो देखा होगा आप सभी ने, इस तरह की बातें होती हैं इंसान जानवरों के साथ होती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ से लिखा गया सबसे अधिक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये कई बार एग्जाम में सवाल आया है, तो इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये इंसान की जो आंखें हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे निचली परत होती है ना, सबसे पीछे की जो परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर भैया दो ऐसे बिंदु होते हैं जो बड़े खास हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु मैं यहाँ पर अगर बताऊँ, ये वाला पॉइंट, इसे हम कहते हैं पीत बिंदु, क्या बोलेंगे, पीत बिंदु के तौर पर जानते हैं, या आमतौर पर इसे हम टेपेटम ल्यूसिडम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेपेटम सॉरी मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तो लिखिएगा मैक्यूला ल्यूटिया। अब ये मैक्यूला ल्यूटिया एक वैज्ञानिक शब्द हो सकता है, लेकिन आप पीत बिंदु से काम चलाएंगे। ये जो पीत बिंदु होता है हमारी रेटिना के पास, यहाँ पर पूरी आँखों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेड यानी कि कोन सेल है, सबसे अधिक जो कोन सेल होती है वो, और सबसे अधिक रॉड सेल जो होती है वो पाई जाती है। यानी कि इनकी जो सघनता है, डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और मज़े की बात है कि जहाँ पर रॉड सेल और कोन सेल होगा वहाँ पर कुछ तो खास होगा, और ख़ास ये है कि सबसे बेहतरीन और ज़्यादा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा हमारी पीत बिंदु के पास। यानी कि मैक्सिमम प्रतिबिंब या सबसे बेहतर प्रतिबिंब कहीं भी बनता है तो आप उसे लगा सकते हैं, जो मैक्यूला ल्यूटिया है या पीत बिंदु है वहाँ पर बनता है। तो ये एग्ज़ाम में सवाल बनेगा, तो बिल्कुल पॉइंट सही कर लेना, ठीक है ना। और उम्मीद है कि ये जो शैली में आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे और जान भी रहे होंगे। यार चिल्ला के पढ़ाना मुझे आता नहीं और उम्मीद है कि आप ऐसा किसी भी तरीके से पर पक्ष भी नहीं रखेंगे चिल्ला के पढ़ाने वाले का। आप बस इसे प्रॉपर वे में समझिए, कोशिश करें कि आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। बिना नोट किए पढ़ेंगे तो भूल से जाएंगे, है ना। आपको पढ़ा है, दो चार बार पढ़ा, तब भी एक बार इसे ऐसे रफली एक रफ लेकर के बैठा करिए और उसके साथ आगे बढ़ा करिए, ठीक है ना। एक और पॉइंट यहाँ पर है जिसको मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा और इसे हम कहते हैं अंध बिंदु। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु कहते हैं या डार्क पॉइंट के तौर पर जानेंगे। आँखें यानी कि रेटिना का ही हिस्सा है। यहाँ पर बिल्कुल मान के चलना कि जो कोन सेल है और रॉड सेल होता है वो नील होता है, यानी कोई भी रॉड सेल और कोन सेल नहीं होते और इस वजह से यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनने वाला है। तो ये भी सवाल आता है। लेकिन एक ख़ास बात है जो आपको जाननी चाहिए, इसी अंधबिंदु से एक विशेष तौर पर नर्व निकलती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व निकलती है और ये नर्व हमारे ब्रेन को टच करती है, जैसे कि आँखों से ब्रेन कनेक्ट होता है और हम जो चीज़ें देखते हैं उसे वो डिफाइन करता है अच्छे तरीके से और इस आधार पर दुनिया को हम देख रहे होते हैं। तो ये जो दो बातें पीत और अंधबिंदु की बताई मैंने, ये काफ़ी खास थी और आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बन के आ सकती हैं। अगला सवाल या अगली व्याख्या चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है भाई कि एक कोई व्यक्ति है और उसे मुश्किल जा रही है। कैसी मुश्किल? आइए देखते हैं। पहली मुश्किल है कि वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन पास की वस्तुओं को वो देख पा रहे हैं। इसमें हम क्या मानेंगे या किस प्रकार की समस्या? ये तो बहुत घिसा पीटा टाइप का सवाल है, उम्मीद है कि आप इसे बता सकते हैं। यहाँ तक बताना कि आपने इसे पॉइंट आउट किया हुआ है, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेशक इंतज़ार होगा कि आप इसे सही तरीके से लगा सकते हैं। पूछा है भाई दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें दिखती हैं, तो सीधी सी बात है ना, आप इसका उत्तर तो दे ही सकते हैं। 6 नंबर का सवाल है, तो बहुत से लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि पास में मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि निकट समस्या है नहीं है, निकट बिल्कुल सही है और दूर में मुश्किल है, दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाते, दूर में मुश्किल जा रही है। तो निकट दिख रहा, बाकी दोष है, तो लगाइए ना क्या, मायोपिया। भाई यही तो है, निकट दृष्टि दोष, इसी को तो लिखना है, निकट दृष्टि दोष। तो इसका मतलब क्या हुआ? निकट ओके ओके, बाकी तो क्या है, यहाँ पर दोष है, यानी दूर नहीं दिखेगा। यानी कि जो मायोपिया है उसमें निकट में दिखता है लेकिन दूर में मुश्किल आती है। जैसे एक होता है ना दूर दृष्टि दोष, एक होगा दूर और फिर क्या लिखा गया, दृष्टि दोष। ऐसे समझिए, याद किया करिए, कभी लोग भूल जाते हैं। दूर मतलब दूर में ओके ओके है, कोई इशू नहीं है दूर दृष्टि दोष में, दिक्कत तो पास वाले में है, पास वाले में है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या लगाएंगे, तो जो दूर है उसमें हम उत्तल लगाते हैं और जो निकट है उसमें हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब सेट कर लेना यार, ऐसे कुछ होता है ना। ये तमाम बातें हैं जो कि कई बार सवाल में आता है, ठीक। तो बस एनालिसिस का मसला होना चाहिए और कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल, उसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है भाई सवाल नंबर 7 है और बहुत ही प्यार से पूछा गया है। लिखा है कि ज़रा बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि कॉर्निया के प्रत्यारोपण को आसान बना देता है? अधिक व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है कॉर्निया, आँखों के प्रत्यारोपण के बारे में आपने सुना होगा। दरअसल भारत में आँखों को दान करने के तरीके अभी बड़े कम हैं। हमारे यहाँ सबसे अधिक कुछ दान होता है तो वो मान के चलना कि खून है, यानी कि ब्लड है, ब्लड की डोनेशन हम करते रहते हैं, लेकिन अंग दान के मामलों में भारत बड़ा पीछे है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि अमेरिका में पहली बार जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बातें उठी। क्या है ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन? तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिएगा, हालाँकि पूछेगा नहीं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बातें उठी, इसका मतलब है कि जब किसी जानवर का अंग, यानी कि किसी भी जानवर का हम अंग लें और उस जानवर के अंग को अपनी शरीर में, यानी कि इंसान के शरीर में लगा दें, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अंग प्रत्यारोपण को हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में किसी सूअर के दिल को इंसानी शरीर में लगाया गया। हालांकि कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई तो वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन हाँ एक मामला उठा कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के। 1994 में 1994 में भारत में पहली बार, ठीक है ना, एक एक्ट आया, उसे कहा गया ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, THOA। और इस ट्रांसप्लांट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के जरिए यह कहा गया कि भारत में अब हृदय, आँख, किडनी आदि आदि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनके कानून बनाए गए, और उस कानून में बार बार परिवर्तन भी किए गए। अभी की अगर जानकारी के आधार पर बात करें तो अभी हम केवल एक आँखों का ही दान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी दोनों आँखें खराब हैं तो आपको एक आँख मिलेगी, अगली वाली आँख के लिए अगले वाले का इंतजार किया जाएगा। तो जब आँखों की दान की बात होती है तो ये बात मान के चलिए कि मृत्यु के कई घंटों बाद, मान के चलिए मृत्यु के 5-6 घंटे के बाद भी आप आँखों के दान कर सकते हैं। और दान के दौरान डॉक्टर केवल और केवल कॉर्निया निकाल के ले जाते हैं, यानी कि बेसिकली प्रत्यारोपण की जब बातचीत चल रही है तो वो कॉर्निया को लेकर के होता है। मैंने कॉर्निया के बारे में जिक्र किया, और जिक्र ये है कि कॉर्निया में रक्तवाहिनियों का अभाव पाया जाता है, और यही एक वजह है कि हम इसे प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से प्रत्यारोपण कर पाते हैं। तो अगर कोई वजह यहाँ पर दिख पा रही है, दूसरा इसे हम मुख्य लेंस की भांति यूटिलाइज करते हैं। तो आँखों के प्रत्यारोपण का जो दृष्टिकोण मैंने आपको समझाया वो यहीं से है। कभी कभी कॉर्निया में मुश्किल आती है तो इसमें एक बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं दृष्टि वैषम्यता, है ना, दृष्टि वैषम्यता कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे हम एस्टिगमेशन के तौर पर मानते हैं। तो उसे पॉइंट आउट कर लेना, यहाँ से इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा है 9 नंबर का, और इसे देखते हैं कि क्या इस व्याख्या में हम लोग फिट कर पा रहे हैं। लिखा है कि मानव की आंखों में प्रवेश करने वाले, ये भी एक गजब का सवाल है, यहाँ पे एक व्याख्या बनेगी अभी अपनी। मानव के आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण है वो किसके जरिए किया जाता है? उत्तर है सिलेरी मांसपेशियों के जरिए, श्वेत पटल के जरिए, कॉर्निया के जरिए, आयरिस के। उत्तर हो जाएगा आपका जो आयरिस और पुतली है, इसी के जरिए हम आँखों में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ना ज़्यादा जाने पाए ना कम जाने पाए। कभी कभी देखिए तो हम भरी दोपहरी में जब बाहर निकलते हैं तो पहले एक टोपी आती थी, जब हम लोगों के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो हम लोग अक्सर खुश होते थे कि अब टोपी मिलेगी घर से, हैट ऐसे आता था। तो इस तरह से आँखों को हम दाब दाब करके देखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा प्रकाश मिल रहा होता है। और जब हम अंधेरे में होते हैं, रात में चल रहे होते हैं, आँखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ऐसे। तो इनके कम करने और ज़्यादा करने की जो बातें हैं वो बेसिकली आयरिस और पुतली के निर्धारण को लेकर के उठती हैं। तो आइए देखा जाए कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है, कैसे इसके हम निर्धारणों को देख पाते हैं। तो उत्तर तो डी ही होगा, वो तो सीधी सादी बात है, और उत्तर प्रदेश PCS के सवाल भी ऐसे आते हैं, लेकिन थोड़ी काम की बातें सीख ही लेते हैं फिर आगे बढ़ा जाए। अभी तो काफ़ी टाइम है अपने पास, यानी कि 15 मिनट पूरे हैं, तो 15 मिनट में तो कई सारे सवाल हो सकते हैं। जिन आँखों को हम देखते हैं वो करीब करीब ये हिस्से हैं, ठीक है ना। आप आमतौर पर यही आँख देखते हैं, इसमें गोल गोल सा हिस्सा होता है बीच में, और यहाँ पर एक काला काला डॉट लगा होता है। आँखें हमारी कैसी हैं, उनमें इस तरह के रंग भी भरे गए होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम थोड़ा समझेंगे और आयरिस और पुतली के बारे में बातचीत समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके बिल्कुल बीच का काला काला डॉट दिख रहा है, एक डॉट जैसा दिख रहा है ना, ये जो डॉट है ना, इसी को हम आँखों की पुतली मानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम प्यूपिल कहते हैं, है ना। वो प्यूपिल नहीं, ये प्यूपिल है, वो प्यूपिल है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और जो ये आप देख पा रहे हैं जहाँ से आँखों का रंग बन रहा है उसे हम आयरिस कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? आयरिस कहेंगे, ठीक है ना। ये तो बेसिकली इन्हीं दोनों की वजह से आँखों में रंग या आँखों में प्रकाश नियंत्रित होता है। ये जो डॉट वाला पुतली है ना, इसे हम प्रकाश का प्रवेश द्वार मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकाश का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक। क्या कहेंगे? प्रवेश द्वार कहते हैं। यानी कि भाई अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो दरवाज़ा क्या करोगे आप? दरवाज़ा छोटा कर दोगे, एक ही लोग को लेकर के आओगे। और अगर भीड़ कम है तो दरवाज़ा हम पूरा खोल देते हैं। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि 2 तरह के सवाल आएंगे आपके यहाँ से। कितने प्रकार के? यहाँ से कुल 2 प्रकार के सवाल आएंगे। पहला सवाल कैसा आएगा, यानी कि अगर हम टाइप 1 की बातचीत करें तो ये आएगा कि जब आप बहुत अधिक प्रकाश में गए हों, ठीक है ना, बिल्कुल दोपहरी में आप गए हों, एकदम काफ़ी ज़्यादा प्रकाश वहाँ पर है, यानी कि अधिक प्रकाश की स्थितियों में क्या होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अधिक प्रकाश आ रहा है तो आप क्या करोगे? दरवाज़ा बंद करोगे कि दरवाज़ा खोल दोगे? उत्तर होगा नहीं, ज़्यादा प्रकाश की स्थिति में हम उस आँख का जो दरवाज़ा है यानी कि जो हमारा प्यूपिल है यानी पुतली है उसके आकार को छोटा कर देंगे जिससे ज़्यादा प्रकाश ना आने पाए। तो अधिक प्रकाश में जो पुतली है ये कैसी हो जाएगी, पुतली का आकार छोटा हो जाता है और ऐसी दशा में जो आयरिस है वो क्या हो जाएगा, वो उसके स्थान को ग्रहण कर लेती है यानी कि जो आयरिस का आकार है वो कैसा होगा, तो उत्तर हो जाएगा आयरिस का आकार हम अब बड़ा कर देंगे। कितना आसान सा उत्तर है, इस तरह के सवाल आते हैं। तरीका दूसरा यानी कि टाइप 2 में अगर आपसे सवाल पूछेगा तो कुछ ऐसे लगा के आना, जैसे मान के चलो शाम का मौसम है या बहुत ज़्यादा अंधेरा है कहीं पर और ऐसी दशा में सीधी सी बात है प्रकाश क्या है, कम है। अब प्रकाश कम है तो दरवाज़ा क्या करोगे, इस बार हम दरवाज़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आना चाहिए ना, दरवाज़ा बड़ा होगा, ऑलरेडी प्रकाश की कमी है यानी यहाँ पर तरीका हम बदलेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुतली का आकार थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी तुलना में और उसकी जगह को कम हो जाएगी। कौन सी जगह कम हो जाएगी, आयरिस, यानी कि जो आयरिस है वो पीछे चली जाएगी। क्या हो जाएगी, आयरिस जो है पीछे चली जाएगी और साथ ही साथ इसका जो आकार है वो छोटा हो जाएगा तुलना उसकी तुलना में, जो कि पीछे भी हम लोगों ने काम किया। तो ये दो ही प्रकार के सवाल आते हैं। उम्मीद है कि आप इसे पॉइंट आउट करेंगे या अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या आपने कभी ऐश्वर्या राय की आँख देखी है? अभी अगर आप देखेंगे तो उनकी आंखें आज भी नीली हैं, बिल्कुल गहरी झील जैसी आंखें हैं। और आपने अगर ऋतिक रोशन की आंख देखी हो तो बड़ी भूरी टाइप की आंखें हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो आंखें होती हैं वो काली होती हैं, जैसे आपकी भी आंखें काली होंगी, हमारी भी आंखें काली हैं। इसके तरीके भी कुछ होते हैं। दरअसल आंखों के रंग का जो वजह बनता है वो आयरिस बनता है, यानी कि इसमें एक विशेष तौर पर रंजक होता है जिसे हम बोलते हैं मेलोनिन। क्या बोलेंगे, मेलोनिन रंजक कहते हैं। और इस रंजक के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक प्रकार होगा जिसे हम ईओ मेलोनिन के तौर पर जानते हैं। उम्मीद है आपने इसे नाम सुना होगा, नहीं सुना तो लिख डालिए। एक होता है जिसे हम कहते हैं फेयो मेलोनिन के तौर पर। क्या, फेयो मेलोनिन के तौर पर। और इन्हीं के अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर हमारी आपकी आँखें नीली भी होती हैं, हमारी आपकी आँखें काली भी होती हैं और भारतीय आंखें भूरी भी होती हैं। हालांकि मान के चलना ये और ये वाली कम होती हैं, सुंदर मानी जाती है ना, जो नीली आंखें होती हैं वो सुंदर हैं और भूरी आंखें। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि रंग बदल गए तो आंखें भी अलग तरीके से देखेंगी, ऐसा होता नहीं है बेसिकली और बड़ी कम होता है, ठीक है ना। और ये काफ़ी खास है कि अक्सर भारत की आँखें काली हैं, यानी कि भारत में लोग जो होते हैं उनकी आंखें काली होती हैं। जब कभी हम क्रॉस होते हैं और मान के चलना कि कोई बाहरी जीन आ गया हो तो उस दौर पे मेलोनिन के रंग बदलते हैं और तरीके बदलते हैं, फिर आंखें अलग अलग तरीके से हो जाती हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा। ऐश्वर्या राय को तो जानते ही हैं, प्रॉपर जानते हैं और फोटो में ही देखा होगा, ऐसे तो देखा होगा नहीं, तरीके ही मौका ही नहीं मिल सकता कभी। हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, हो सकता है ज़िंदगी में कहीं मौका मिले तो देख ही लीजिएगा। खैर और कई सारे एग्जाम्पल आपके साथ हो सकते हैं तो इसे पॉइंट आउट कीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। जितने भी पेज मैंने बताए हैं ये काफ़ी खास हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 9 है और इसे यहाँ से ध्यान देना। ये सवाल आँखों का नहीं है, ये सवाल कान का है। पूछ रहे हैं कि भाई मैलस, इंकस और स्टपीज़ 3 सूक्ष्म हड्डियाँ होती हैं जो हमारे कानों में पाई जाती हैं। सूक्ष्म अस्थियाँ जोड़े में होती हैं और ध्वनि आवर्धन की भूमिका निभाती है, यानी कि जो ध्वनि शरीर में जा रही है उससे और ज़्यादा आवर्धित करती हैं, यानी कि बढ़ा देती हैं उसकी आवाज़ को। ये अस्थियाँ कान के किस हिस्से में होती हैं? तो उत्तर तो आप दे सकते हैं, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जो इसका उत्तर देने में खुद को सहज पाएंगे, और जितने लोग लाइक वाइक नहीं किए थोड़ा सा बटन दबा दो भाई, है ना। चलिए देखते हैं, अब ध्यान देना। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य कर्ण, यानी कि जो बीच वाला कान का हिस्सा होता है उसी में ये विशेष तौर पर हड्डियाँ होती हैं। 3 × 2 = कुल 6 हड्डियाँ हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डी तो दूसरे कान में 6 हड्डी। और यहीं से पहली बार आपको ये जानकारी मिलती है कि हड्डियाँ हमारे कान में सुनने का काम करती हैं। हड्डियाँ सुनने का काम करती हैं, ये सुन करके बड़ा अचरज सा लगता है लेकिन ऐसा है, यानी कि हेयरिंग में भी काफ़ी मदद देती हैं, चलने में, शरीर की संरचना बनाने में, पोषण प्रदान करने में, ऐसे कई सारे काम तो बड़े सर्वव्यापक हैं, बड़े जगजाहिर हैं, लेकिन हाँ सुनने में भी बड़ी मदद करती हैं। इसलिए आप गलती मत करना, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो कान है इसके बाहरी जो देखा जाए तो इतना हिस्सा बाहरी होता है, ये कान का पर्दा लगा होता है, ये कान की पाइप है, बाहर का कान का पटल है, और इसके बाद एक इस तरह का हिस्सा बीच का होता है जिसमें कुल 3 हड्डी होती है ना। इन्हीं 3 हड्डी को, पहली वाली को मैलस बोलते हैं, दूसरी वाली को इंकस बोलते हैं, और सबसे छोटी वाली जो हड्डी है उसे हम एस या स्टेपीज से जानते हैं। पूरी शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, अंगूठी की या घोड़े के नाल के आकार में होती है। ये बिल्कुल आप इसे अपनी उंगली पर रख सकते हैं, इतनी छोटी है ये, लेकिन मान के चलिएगा काम बड़ा है इसका। अगर ये तीनों हड्डियों में से एक कमज़ोर पड़ गई तो सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर हेयरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं या मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके बाद कान का सबसे लास्ट हिस्सा आंतरिक हिस्सा होता है जिसे हम कोर्टी आर्गन या कोकल्ला कहते हैं, और उसका इस्तेमाल करके इंसान सुनने में ब्रेन से संपर्क करता है। और जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती हैं वो इसी आंतरिक कान के साथ जुड़ी होती हैं ब्रेन से। आंतरिक कान का ही सहारा ले करके हम अपनी शरीर का बैलेंस बनाते हैं और हम सही तरीके से चलते हैं, नहीं तो चक्कर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके सवाल में या इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इन्हें पॉइंट आउट कीजिएगा। हालांकि इसके अलावा अभी तक कोई सवाल तो नहीं बना है, तो याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो 10 नंबर का सवाल है और इस पूरे सत्र का अंतिम सवाल हम शामिल कर रहे हैं इसे। और इस तरह से आपका जो तंत्र है, यानी कि खास करके मानव की संवेदना का तंत्र है, वो आज कैप्चर हो जाए, कवर हो जाएगा, और कल हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है कि जिह्वा मनुष्य को, यानी कि मानुष लिखा है यहाँ पर, भाई मनुष्य कर दीजिएगा, मानुष भी सही है एक तरीके से, स्वाद संवेदना प्रकट करती है। इस संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए, उनको मिलान करना है। यहाँ पर कुछ बातें एक गलत लिखी गई, उसको सही कर लेना। और गलत ये लिखा गया कि शरीर का जो जिह्वा का जो अग्रभाग है ना, यहाँ पर अग्र लिख देना, अग्रभाग के बारे में बात हो रही है। तो जिह्वा का आधार, मुख्य तौर पर इस तरह के सवाल एक बार बिहार पीसीएस से पूछा गया था, यूपी में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। लेकिन यार ये बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं है, ये एक व्यवहारिक तरीका है। आंखें, हमारी जो जिह्वा है, ये कैसा हमारा ऑर्गन है जिसे हम स्वाद संवेदना प्रकट करते हैं। जिह्वा में छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में टेस्ट बड कहते हैं। इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा लगभग कई प्रकार के स्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि बहुत सारी जो नर्व हैं वो जिह्वा से जुड़ी होती हैं ब्रेन में, और उस आधार पर हम उसे संवेदना दे पाते हैं कि ये वस्तु या खाद्य वस्तु मीठी है, खट्टी है, तीखी है या किस तरह की है, और चटकारे लेके खाते हैं। ये जो तरीका होता है, सोचिए जिह्वा अगर ना हो तो स्वाद ही ना पता चले। इस पूरे कोविड-19 में आपने देखा कि उसके माइल्ड सिम्टम्स में स्वाद भी गायब हो गया था, और जब स्वाद गायब हो गया कोविड-19 में तो लोगों को स्वाद आने बंद हो गए। कई दिनों बाद, महीनों बाद जाके कंट्रोल हुआ, तो सारा खेल ब्रेन का था वो। तो खैर, जिह्वा का जो आधार है उससे तीखा हम एक जिह्वा बना ही देते हैं, और अपनी कॉपी में इसे बना लीजिएगा। यहाँ पर जो जिह्वा का आधार है, यहाँ पर आप इसे तीखा मान के चलना, जो तीखा स्वाद है या कड़वा स्वाद है वो यहाँ पर आता है। मिर्च उर्च जब खाओगे, जिह्वा के जो ऊपरी दोनों किनारे होते हैं, यहाँ से आपको खट्टा स्वाद मिलेगा, कैसा इमली वगैरह जो खाओगे खट्टा मिलेगा। निचले जो दोनों किनारे होते हैं, यहाँ से आपको नमकीन स्वाद मिलता है, कैसा नमकीन स्वाद मिलेगा। और जिह्वा का जो शीर्ष है ना, ये वाला हिस्सा है, यहाँ से आपको मीठे का स्वाद मिलता है। जो जलेबी आदि खा लेते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मीठी हैं आप उनका सेवन करिए, तो यहाँ से अलग अलग क्लास मिलता है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर मिला सकते हैं, जीवा का आधार तीखा है, यानी कि ये सही है। जीवा के ऊपर के पार्श्व किनारे खट्टा है, ये भी सही है। जीवा का अग्रभाग है नमकीन है, ये गलत है। और जीवा का जो निचला पार्श्व है वो नमकीन है, वो सही है। तो आपका उत्तर जो हुआ वो सी वाला हुआ, इसे आप मिलान कर लीजिएगा। तो आज के पूरे सत्र में हम लोगों ने इस तरह से इतने सारे सवाल क्लिक किए। उम्मीद है आपको बातें बहुत आसान तरीके से समझ में आई होंगी, और इस आधार पर हमने मानव का जो संविधान है उसको कवर किया। लेकिन अब कल के टॉपिक और कुछ जो खास बात होती है उसको बताऊं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मसाल कार्यक्रम पर अभी लाइक की बटन नहीं दबाई है, ज़रा बताना, और ईमानदारी से बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा जो आपका जो मसाल कार्यक्रम है, ठीक है ना, ये एग्जामपुर का जो आपका मेन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको जाना है, और इस इवेंट पर प्लीज़ जाकर के लाइक की बटन ज़रूर दबाइएगा। और दूसरा एक काम कर लेना कि इसमें आप रिमाइंडर लगा देना। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी 250 लोग देख रहे हैं, सभी को इतनी जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ कि 250 × 5, ठीक है ना। तो इतने लोगों को, कम से कम 5 लोगों को आपको इसके लाइक और साथ ही साथ रिमाइंडर की बटन के लिए उन्हें प्रेरित करना है, बताना है। हम 17 तारीख को सुबह 11 बजे, कितना 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे लेकर के आ रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम, विवेक सर लेकर के आ रहे हैं मसाल करके, तो इसे प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान देना कि कल का टॉपिक क्या रहेगा, उसे ध्यान दीजिएगा। कल का टॉपिक नोट कर लीजिएगा। जितने लोग टॉपिक पढ़ते हैं और अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से बनाते हैं वो बिल्कुल नोट करेंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में आते हैं और फिर बीच बीच में भाग जाते हैं, तो उनका अलग मसला है, लेकिन आपका मसला होना चाहिए ठीक ठाक जो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रमुख ग्रंथियों के बारे में और उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में। देखिएगा टॉपिक कल का प्रमुख ग्रंथियाँ और ख़ास करके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन और इनकी कार्यप्रणालियों पर बात करेंगे। कुल 10 सवाल होंगे और इन 10 सवालों में इंतज़ार होगा कि आप सही तरीके से कवर करके आएंगे। जितने भी लोग बने हैं, हमने इस पर एक गज़ब का टॉपिक लिया है, इसी यूट्यूब पर है, अभी आप देख लीजिएगा जा कर के। कुल 3 या 4 सेक्शन में हमने ये ग्लैंड और हार्मोन का टॉपिक कवर किया है, तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कल ठीक 9 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे और इस बिंदु पर खूब चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अब एक और काम बचा है, उसको भी कर लीजिएगा। ये सत्र आपको कैसा लगता है, तो आपके फीडबैक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर नीचे ऑफलाइन कमेंट के ज़रिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जितने भी लोग बने हैं। दूसरी बड़ी बात कि आपके कितने सवाल सही हुए, उन सही सवालों के जवाब नंबरिंग में कि आपके 4 सही हुए कि 8 सही हुए, इस तरह से नीचे ज़रूर लिख करके जाना, ठीक है ना। चलते चलते एक सवाल मैं और करते जा रहा हूँ जो कि आपको जवाब देना है। आपको बताना है कि प्रश्न के तौर पर कि रात्रि में हमें देखने के लिए, ठीक है ना, रेटिना का कौन सा हिस्सा काम आता है। पहला सवाल, रेटिना का कौन सा हिस्सा हमें रात्रि में देखने में काम आता है, ये पहला सवाल होगा। दूसरा जो प्रश्न है आपको बताना है कि अगर प्रकाश अधिक है, ठीक है ना, प्रकाश किसी जगह पर अधिक है तो ऐसी दशा में आपकी जो पुतली है और जो खासकर पुतली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पुतली पर जो प्रभाव होगा उसको बताना है नीचे लिख करके। और आज का जो तीसरा सवाल है वो बताना है कि आँखों में जो कलर आता है, ठीक है ना, आँखों में जो रंग होता है वो किसकी वजह से निर्धारित होता है, उसके निर्धारण की वजह क्या है, ऐसा कौन सा अंग है आँखों का जो इसे निर्धारित करता है। तो अगर आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से यह सत्र ज्वाइन किया होगा, सुना होगा, तो इन तीनों सवालों के आपको ऑफलाइन तरीके से, ठीक है ना, जा करके जवाब देना है, यानी कि आप इसे जवाब देंगे। और मुझे हर एक कमेंट्स का इंतज़ार होता है, मैं जाके देखता भी हूँ कितने लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, यूँ ही मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कल हम फिर मुलाकात करेंगे 9 बजे, अभी ठीक 10 बज चुके हैं। आपके साथ नितिन सर ज्वाइन कर रहे हैं, तो नितिन सर की क्लास में जाइए और प्रॉपर वे में पढ़ना शुरू करिएगा। ढेर सारा प्यार है, नमस्कार है और शुभ रात्रि है। यूँ ही जुड़े रहिए, आपका एग्जामपुर आपके घर है, आपका परिवार है। थैंक यू।